दोस्तों, नेशनल हाईवे पर दुर्घटना की स्थिति में किसी को पैसे के कारण अस्पताल में भर्ती कराने में दिक्कत ना हो, इसके लिए कैशलेस बीमा की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसके लिए बीमा की कंपनी से बोली को आमंत्रित किया है। NHAI के स्वर्णीय चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता आगरा और आगरा से दिल्ली कॉरिडोर पर दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करने के लिए यह बोली आमंत्रित की गई है। इसके तहत अगले 3 साल तक बीमा कंपनियों को हाईवे पर होने वाली दुर्घटना में पीड़ितों को कैशलेस ट्रीटमेंट देने की सुविधा देनी होगी। जो बीमा कंपनी इस बोली को जीत लेगी, वह हाईवे पर दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर अगले 48 घंटे तक उचित इलाज कराने के लिए जिम्मेदारी होगी। कंपनी को 30,000 तक का इलाज कराना होगा। बीमा कंपनी पर ही पीड़ित को सड़क के आसपास के अस्पताल तक लाने की जिम्मेदारी होगी। NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि इसमें इस मुद्दे पर कुछ बड़ी बीमा कंपनियों के साथ पहले दौर की बातचीत की है। एक बार जब कंपनी किस्त के लिए कोर्ट का ब्यौरा देगी तो हम सफल बीमा कंपनी को रकम पेमेंट कर देंगे। इसके बाद उस कंपनी को हाईवे के आसपास के अस्पतालों से समन्वय करना होगा। इसके साथ ही 0/7 एक हेल्पलाइन नंबर भी चलाना होगा। हाईवे पर एम्बुलेंस को लगाना होगा। गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय ने 2013 में ही इस तरह की एक योजना पायलट परियोजना के तहत चलाई थी, जो बेहद सफल रही थी। इस योजना के तहत सबसे पहले गुड़गांवा जयपुर हाईवे पर कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई थी। बाद में इस योजना का विस्तार मुंबई, बड़ौदरा, रांची, रतगांव, महुलिया खंड पर भी कर दिया गया था। यह पायलट योजना के तहत दुर्घटना में पीड़ित 100% लोगों को आधे घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाया गया था, जिसमें 50% से ज्यादा लाभान्वित आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े थे, जबकि इनमें से 80% लोगों को अपनी तरफ से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।